Hi guys, it's Dr. Malaika, a second year MBA student at Karachi Medical and Dental College. So welcome back to my channel and I hope you all are doing great. Today I'm making this video for all my juniors who are going to appear in an MDCAT exam soon from my very busy schedule as my mids are almost here. But I thought I should make this video for all my juniors. So today, I am going to give some tips and tricks to an MDCAT aspirant so they can ace their MDCAT exam easily. So don't skip my video, watch it till end, and I hope after watching it, you will worth these 5 to 6 minutes, inshallah. So let's start this video without wasting any time. Let's go. So my future doctors, inshallah, there are total 4 tips by implementing on which you can ace your MDCAT very easily. I know you have very limited time and competition is very tough, but when there is a will, there is a way too. It means if you are really dedicated towards your dreams, you can do anything to everything in a very limited time also. So let's start with tip number one. It's a very important tip basically. वैसे तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी प्रोविंशियल बोर्ड की बुक्स को और फेडरल बोर्ड की बुक्स को दोनों को पूरा पूरा और इससे ज़्यादा मर्तबा पढ़ें। और मैं अपने जूनियर्स को भी ये रिकमेंड करती हूँ कि वो अपना इंटरमीडिएट टाइम पीरियड स्टार्ट होने से ही अपनी प्रोविंशियल बुक्स को एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दिया करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ चुके होते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट बना चुके होते हैं, आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा चुके होते हैं, लर्न कर चुके होते हैं, आपके हुए वो टाइम सेव हो जाता है। अब आपके पास टाइम थोड़ा है और अब आपको चीज़ें करने में थोड़ा सा ज़्यादा रश करना पड़ेगा और उन चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इस तरह अगर आप इंटरमीडिएट के टाइम से शुरू कर दें तो वो आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आप एक से ज़्यादा मरतबा काफ़ी टाइम उन चीज़ों को रिपीटेडली पढ़ेंगे और आपके लिए वो चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है फॉर सपोज, तो इट्स नॉट अ बिग डील, स्टार्ट इट नाउ, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोविंशियल बुक फर्स्ट। प्रोविंशियल बुक के वो टॉपिक्स पढ़ें जो आपके पास पीएमसी के अंदर पीएमसी सिलेबस के अंदर शामिल है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर नॉट रिलेटेड विद द एमटेट सिलेबस, राइट। उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। वो हो जाए तो उसके बाद फेडरल बुक्स पर मूव करें। फेडरल बुक्स में से वो टॉपिक पढ़ें जो आपके बुक में नहीं थे और वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। पहले आप वो चीज़ करें। अगर आप उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप फेडरल बुक के वो सारे टॉपिक्स पढ़ लें जो प्रोविंशियल बुक में भी थे, ताकि आप उन दोनों को कोरिलेट कर सकें। अगर कोई चीज़ अलग है तो आप उस चीज़ को कोरिलेट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। और आपको ये एटलीस्ट 2 मरतबा तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये 7 टाइम्स किया था, क्योंकि आई डिड माई एम डी कैट इन कोरोना टाइम, जिसमें हमारे तो बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए थे और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, हम घर में ही रहते थे, घर से कुछ करना नहीं होता था, तो बस ऑनलाइन क्लासेज नहीं और फिर इसको बस पढ़ा और तैयारी की और प्रैक्टिस की, दैट्स इट। तो ये था। लेकिन अब आप लोगों को भी ये करना है और एटलीस्ट ये आप लोगों को 2 दफ़ा तो करना ही करना है, ये मेरी बात दिमाग में रखते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप रीड कर रहे हो तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, लाइक वो फैक्चुअल पॉइंट है, कोई क्वान्टिटी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को सेपरेटली किसी जगह पर रखें ताकि आपको एट द एंड बुक को वापस ना रीड करना पड़े, आप रिवीजन उस जगह से ही कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो और टाइम भी सेव हो। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, उसको तो मैं बैकबोन समझती हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप बुक को कैसे समझेंगे, आप चीज़ों को कोरिलेट कैसे करेंगे। वो चीज़ें जो आपके पास प्रोविंशियल में भी हैं और जो आपके पास फेडरल में भी है, थोड़ा सा डिफरेंस रखती हैं, उन चीज़ों को कोरिलेट करना होता है। ऐसे बहुत से MCQs आते हैं MCAT के एग्ज़ाम में और PMC के एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ आपको कोरिलेशन दिखाना पड़ता है, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, आप बुक नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे अपने नंबर गंवा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पे वर्किंग तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब आप कहेंगे भाई हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें कैसे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें कैसे, तो भाई आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा कोई इंस्टीट्यूट, तो वो जो इंस्टीट्यूट आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करे होते हैं इंटरमीडिएट के टाइम में, तो इंटरमीडिएट में कोई इतना डीप नहीं जाता, वो आपके लिए होते हैं रूट
रूट प्रोवाइड करता है, अब उसके ऊपर आपको स्टेम खड़ी करनी है, आपको फ्लावर्स लेकर आने हैं, सही है। उसके लिए आपको अब खुद या तो वर्क करना है, आपको डिफरेंट पेजेस देखने पड़ेंगे, डिफरेंट चैनल्स पे जाना पड़ेगा जो आपको एनएमडी के प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स आजकल बहुत सारे आ गए, या फिर आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो एनएमडी कैट प्रोग्राम ऑफर करते हैं और वो उसमें सिखाते हैं कि भाई एनएमडी कैट में प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आप उन सब चीज़ों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट आई मेंट बाय जनरल मैथ्स, जनरल मैथ्स इज बेसिकली जो चीज़ें हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होते हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि हम बचपन में क्लास 5 तक विदाउट कैलकुलेटर किया करते थे, वही चीज़ अब हमें वो बचपन को रिकॉल करना होता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हमारे पेपर का एक पार्ट जो होता है ना, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है टोटली, राइट, और उसमें कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, हमें मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जनरल मैथ्स पे कमांड हो, क्योंकि अगर हमारा कमांड नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हमारा वो फिंगर टिप्स वाली मैथ्स जो होती है, जनरल मैथ्स होती है, उस पर कमांड बहुत कम हो जाता है। अच्छा, हम 2+2 भी कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या है, हम उसे भी देख रहे होते हैं, 2+2 4 ही है ना, तो ये होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग सबके साथ। तो अगर हम उसको देखें तो भाई हमें वो करना है, और हम उसको प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, हम प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे पास फालतू टाइम है उसमें हम अपने टेबल्स को लर्न करें, एटलीस्ट 20 तक हमें टेबल्स अच्छे से आते हैं, हम स्क्वायर रूट्स याद करें, स्क्वायर्स याद करें, वो स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स जो कि बहुत कॉमन है, कॉमनली यूज होते हैं जब आप एमकैट की प्रिपरेशन करते हैं और आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या आप फिजिक्स को सॉल्व करते हैं, तो आपको आपके पास वो सामने वैल्यूज आती हैं, या आप छोटे बच्चों की जो 4 और 3 क्लास की बुक्स होती हैं उसमें देख सकते हैं कॉमन रूल्स उसमें भी क्यों आते हैं, तो आप उन्हें यूज़ करके याद कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को अपने लेयर टाइम के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैठे प्रैक्टिस करें, थोड़ी देर प्रैक्टिस करें, नॉट एट ऑल कि आप दिन में पूरा दिन प्रैक्टिस करें, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि अगर आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, और पास पेपर्स जो होते हैं ना वो आपके पास आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। अगर आपको पता है ना कि आपने एम किया हुआ है कि आपने 1 मिनट में इतने MCQs करने, लाइक हमें 20 सेकंड में एक MCQ करना होता था, हमारे पास टाइम कम होता था, तो हम इसलिए हमारे पास पेपर से प्रैक्टिस थी तो हम आखिर में जाके वो कर सके, अदरवाइज 20 सेकंड और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पास पेपर्स आपको लास्ट में करने हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ बुक्स ऐसे सजेस्ट करती हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs की, तो मैंने यहाँ लिखी हुई, मैं आपको बताती हूँ। डाउग्रेड जब उसमें पास पेपर इंक्लूड होते हैं जो कि प्रोविंशियल बेस्ड पास पेपर होता है। आप लोग कहेंगे हम PMC के पास पेपर्स कहाँ से लेंगे, PMC तो भाई वो तो बुकलेट से देता ही नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी यही रहती है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट पेजेस पे PDF फॉर्म में PMC के भी मिल जाएंगे, NMD कैट पेपर्स, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, तो वो आप ढूंढ सकते हैं आराम से। इसके अलावा आपके पास भी हमारे पास है रेडस्पॉट, है रेडस्पॉट पर आपको स्पेशली बायोलॉजी के लिए रेफर कर दूँगी, क्योंकि बायोलॉजी के जो MCQs उसमें होते हैं ना वो आते हैं, और रेडस्पॉट से बाकी सब्जेक्ट्स के भी MCQs आते हैं, तो आप सब ले सकते हैं। तो रेडस्पॉट आपके पास ओ लेवल वर्जन भी है और ए लेवल वर्जन भी है, अब आप दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ की थी और मुझे दोनों से फ़ायदा हुआ था। और इसके अलावा है डोगर ब्रदर्स AQ प्रिपरेशन, डोगर ब्रदर्स MCAT प्रिपरेशन बुक्स, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई कैन सजेस्ट यू के आप सारे यूज़ करें। अनीस हुसैन प्रैक्टिस बुक्स ऑल सब्जेक्ट्स, अनीस हुसैन की भी बुक्स में सब कुछ होता है और वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, और मैं ये कहूँगी कि आप उसको भी लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उधर भी आपको बुकलेट्स मिलेंगी, बुकलेट्स मिल गई होंगी तो आप उसको भी प्रिपेयर करें, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप ये कहेंगे भाई लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन आ गया, अब हम उसका क्या करें, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप गूगल सर्च करें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग मेरे टाइम में नहीं था,
इतना मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता नहीं सकती, बट लॉजिकल रीजनिंग मुझे इतना पता है कि मैं गूगल पर मिल जाती है। तो आप गूगल सर्च करें या आप जाकर उर्दू बाज़ार से पता करें कि भाई लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई बुक आती है, वो आप यूज़ करें। सो व्हाट आई मीन बाय फ्री एडवाइस, इट इज़ बेसिकली माई ओन एक्सपीरियंस जो कि मैंने फील किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आई प्रिपेयर फ्रॉम मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर MEC विच इज़ सिचुएटेड एट तारिक रोड, एंड ऑल्सो आई फॉलोड ऑल द अबव मैंशनड थिंग्स, सही है, इन 2019 बोल रही हूँ मैं, 2020। एंड एक माई एम कैट अलहमदिल्ला विद 162 मार्क्स फ्रॉम 200, एंड अलहमदिल्ला डूइंग माई MBBS फ्रॉम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ऑल्सो आई गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट विच वर अवेलेबल ऑनलाइन, और आई होप कभी भी अवेलेबल होते होंगे तो आप लोग भी उसको सर्च करें और दे अपने। इसके अलावा मैंने MCAT बोल रही हूँ, नम्स का टेस्ट और नम्स MCAT बेसिकली, और AQ का टेस्ट भी मैंने दिया था फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। और लोग आप लोग कहेंगे कि भाई आप लोग ना दें, आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, बहुत अजीब अजीब MCQs देते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बट मैं कहूँगी नहीं। क्योंकि देखें, जब आप उस इन्वायरमेंट में जाकर बैठेंगे ना, तो आपको उस चीज़ में बैठने की प्रैक्टिस होगी, आप उस स्ट्रेस को हैंडल करना अपने एक्चुअल टेस्ट से पहले ही सीख जाएंगे। सही है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं जब अपना फाइनल टेस्ट देने गई थी, मुझे कुछ किसी किस्म का इतना स्ट्रेस नहीं था वहाँ पे बैठे हुए, मैं बहुत आराम से पेपर करके आ गई थी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह करें, और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल दिस टिप्स विल हेल्प यू एक योर टेस्ट इन गेटिंग इनटू द अमेरिकन यूनिवर्सिटी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। I'll answer you as soon as possible. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।